अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग? खैरियत से होंगे, खुशाबाद होंगे। अल्लाह ताला आपको खुशाबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज हम बना रहे हैं कढ़ी। उसके लिए एक मीडियम साइज का मैंने प्याज लिया था, जो कि मेरा पेस्ट है वो मैंने डाला है। अगर आपके पास पेस्ट है वो डाले, नहीं है तो आप ये इस तरह ही आप काट के डाल लें। अब थोड़ा सा प्याज को हम इसका कलर चेंज, पिंक कलर लाते हैं बस। देखिए प्याज हमारा हो गया। अब इसके अंदर हम एक चम्मच जीरा डालेंगे, दो बड़ी इलायची डालेंगे, दो बादयान के फूल डालेंगे हम, दो ही तेजपत्ता डालेंगे अंदर। जी बस, ये जो मैंने खड़े मसाले डाले हैं, आपने प्याज से पहले इनको फ्राई करना है, फिर प्याज आपने डाले। थोड़ी मेरी वीडियो आगे पीछे हो गई है। 1 टीस्पून के बराबर आसपास ये मैं अदरक है ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। साथ हम कुछ अपने मसाले डालते हैं। 1.5 टीस्पून मैं सुरख मिर्ची डालूंगी। अगर आपके पास गोल है तो ये थोड़ी कम डालें आप। फिर अगर आपके पास ये इस तरह तो आप ये फिर इतनी डालें। ये 1/2 kg में दही की ना कढ़ी बना रही हूँ, उसमें आप मकदार दे रही हूँ। नमक आप टेस्ट के मुताबिक डालें, मैं 1 से थोड़ा सा कम डाल रही हूँ। ये डालेंगे 1/2 टीस्पून से थोड़ी सी कम। 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे पिसा हुआ, 1 टीस्पून जीरा पाउडर डालेंगे पिसा हुआ। अच्छी तरह हम भून लेंगे। थोड़ा सा हम पानी का छींटा लगाते हैं ताकि हमारे मसाले अच्छी तरह भूंजे। लहसुन आपकी च्वाइस है, अगर आपको पसंद है तो आप डालें, 4 से 5 जो है वो भी पेस्ट बना के। अगर नहीं आपको पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए हमारा मसाला भून चुके हैं। अब इसके अंदर हम बेसन डालते हैं, जो कि ये जो मैंने सरिंग वाले चम्मच होते हैं, बड़ा स्पून जो होता है वो मैंने लिए। ये 5 चम्मच हम डालेंगे, 1/2 किलो योगर्ट में बार बार के हम डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और इसको हिलाते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे हम इसको। मिक्स करना इजी हो। यूज ये देखिए मैंने डाल के काली इसको भून लिए। तब तक आपने भूनना जब तक इसकी खुशबू ना आने लग जाए अच्छी वाली। यूज ये देखिए भून के चीज की खुशबू आ गई है। ये मैं 1/2 किलो योगर्ट ली, इसको मैंने फेंट लिया। अगर आप घर को दूध भी ना आएंगे थोड़ा थोड़ा डाल के आप हिलाते जाए इसको, वो बहुत अच्छी और बहुत शानदार आ रही है। बस आप साथ साथ हिलाते जाए इसकी गुटलियां ना बने। दही आपने खट्टा लेना है, आपने इस चीज का ध्यान रखना, दही आपका खट्टा तो तभी आपकी कड़ी जो मजे की और टेस्टी बनेगी। अगर नहीं खट्टा तो आप इसको थोड़ा सा लेमन डालें या इसको बाहर रखे आप खट्टा कर ले इसको। ये देखिए योगर्ट हमने डाल लिया, गुटली बिल्कुल भी नहीं बनी। थोड़ा थोड़ा करके डाले गुटली बिल्कुल भी नहीं बनेगी। अब हम पानी डालेंगे, करीबन 1/2 किलो योगर्ट में 1 किलो पानी चला गया है। हम इसको पकाएंगे लो टू मीडियम आंच पे, कवर करके हम इसको पकाते हैं। अब ये बस ये देखिए कड़ी पक चुकी है, कितनी अच्छी इसकी लुक का ये कलर भी इतना अच्छा है, इसका टेस्ट भी इतना ही अच्छा है। इंशाल्लाह टिक्का आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, काफी ज्यादा ही तरीके काफी है। इनके अंदर पकौड़े भी डालने होते हैं, पकौड़ों की तैयारी करते हैं। हम इस तरह पकौड़े बनाते हैं, हम उस तरह पकौड़ों की तैयारी करते हैं। देखिए मैंने आलू काट लिए, स्लाइस मैंने आलू काटे हैं, साथ मैंने बेसन डाल लिया, प्याज डाले मैंने काट के। अब इसके अंदर जो मेन चीज है वो मैं आपको दिखाती हूँ, नमक डालना है। 1 टीस्पून मैं नमक डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं। सिर्फ मिर्ची डाल रही हूँ मैं, अगर आपके पास पाउडर है तो आप पाउडर डालें। 1 टीस्पून चाहिए, 1 टीस्पून सिर्फ मिर्ची डाली है। थोड़ी सी मैं 1/4 टीस्पून में हल्दी डालूंगी, हल्दी टेस्ट के लिए होती है और बहुत मजे से बनती है इसके साथ, और बहुत मजे की बनती है इसके साथ। और साथ हम डालेंगे 1/4 टीस्पून जीरा पिसा हुआ, साथ में 1 टीस्पून हम खुश्क धनिया डालेंगे, साथ में थोड़ा सा हम अजवाइन डालेंगे। अजवाइन इस चीज़ का लेवल रखती है, ये बहुत अच्छी है, ये आप लाजमी डालना। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं इन चीज़ों को, थोड़ा सा पानी डाल के हम इनको मिक्स करते हैं। जी वह ये देखिए मैंने रेडी कर लिए। अब हम एक पैन लेते हैं, जी वही मैंने एक पैन ली है, उसको मैंने आग डाल दी है, गर्म होने के लिए रख दिए, गर्म होने के लिए रख दी। जैसे गर्म होते हैं हम इसके अंदर अपने पकौड़े बनाते हैं।
जी बस ऑयल अच्छी तरह गर्म हो गया, फिर इसके अंदर हम पकौड़े डालते हैं। छोटे छोटे हमने पकौड़े डाले इसके अंदर। आप इनको छोटे छोटे भी काट कर सकते हैं, आप इनकी जो स्लाइसिंग बिल्कुल छोटी छोटी आप कर सकते हैं, एक बाइक के साइज की भी कर सकते हैं, बट मैंने इसकी लंबी रखी है लेंथ। ये बस ये देखिए रेडी हो गए पकौड़े, बहुत अच्छी और बहुत मजे की रेडी हुई है। अब हम इनको निकालते हैं। ये बस ये देख सकते हैं आप इनकी लुक बहुत ही अच्छी और बहुत ही मजे की, जो हमने अजवाइन डाली उससे बहुत टेस्टी बने। आप अजवाइन जरूर डालना, बहुत मजे के बनेंगे। बस इस तरह के गोल्डन फ्राई हमने करने हैं। इस तरह हम सारे अपने पकौड़े रेडी कर लेते हैं, फिर हम कड़ी के अंदर ऐड करते हैं, फिर मैं आपको कड़ी की फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी बस ये देख सकते हैं आप कितनी मजे को कितनी अच्छी रेडी हुई है कड़ी हमारी, बहुत ईजी और बहुत ही आसान है, देखने में इतनी मजे, खाने में इतनी मजे की है। आप एक दफा बनाइए इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी, आप मेरे तरीके से बनाए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना फ्रेंड और फैमिली के साथ। इसी तरह की इजी आसान रेसिपी मैं लेके आती हूँ आपके लिए। मुझे दुआओं में याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।